चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह ने 2017 में ही भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को ज्वाइन किया था, जिसके बाद पवन सिंह हमेशा बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आते थे। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में पवन सिंह जमकर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए नजर आते थे। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सुपरस्टार पवन सिंह ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर एक नया इतिहास रचा है। जी आपको बता दें कि जहां पीएम मोदी के साथ साथ भाजपा के सभी नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल पर नाम के पीछे चौकीदार लगाया था, इसी में सुपरस्टार पवन सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पवन सिंह चौकीदार को अपडेट किया है, यानी कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी दिया है। आपको बता दें कि सुपरस्टार पवन सिंह लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक इसके बारे में कोई भी ऑफिशियली खबर नहीं आई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की खबर माने तो जिला भदोही से सुपरस्टार पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, जिसके लगी उन्होंने दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में सांसद से भी मुलाकात किया था, जिसके फोटोग्राफ पहले ही सोशल मीडिया पर जारी कर दिया गया था। लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियली खबर नहीं आई है कि सुपरस्टार पवन सिंह भदोही से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। खबर तो यह भी आ रही थी कि पवन सिंह कोलकाता से चुनाव लड़ेंगे। अब देखना यह है कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसके बारे में ऑफिशियली जानकारी कब आती है। लेकिन इतना तो कंफर्म हो चुका है कि सुपरस्टार पवन सिंह एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जमकर प्रमोट करने वाले हैं, और उनके चुनावी रैलियों में पवन सिंह का जोरदार भाषण भोजपुरी दर्शकों के साथ साथ पूरे भारतवासी को सुनने को मिलेगा।